Hello students, in this video we are going to discuss numerical problem number 38 from chapter alternating current from Newton ISC physics. Student, the question says find the impedance of the given RC circuit. You can see over here there is a resistance of 20 ohm connected in series with 20 microfarad. When first case says direct current flows and second says when alternating current of frequency 10 upon pi kilohertz AC current flows. So there are two situations in which we need to solve and find out the impedance. Now before I start discussing about this particular numerical problem, I need you all to understand the term impedance. Now those who have already studied them in my theory class, you already know that impedance is a combo of resistance plus reactance. Okay, and it's not just simply the sum. I'm not saying that. I'm saying it's a combination of resistance and reactance. Okay, it's a combination. It's not algebraic addition. Okay, it's a combination of resistance and reactance. And what does impedance measure? It measures the flow, or rather it measures the opposition. It measures the opposition offered to the flow of AC current. बच्चों जी ध्यान देना, impedance क्या measure कर रहा है? ये measure कर रहा है opposition. किसके अपोजिशन को मेजर करता? टू द फ्लो ऑफ एसी करंट इन एनी सीरीज, इन एनी सीरीज सर्किट, इन एनी सीरीज एसी सर्किट. ओके, इन एनी सीरीज एसी सर्किट हैविंग combination of resistance and reactance. तो दो बातें हैं जो आपको समझना है. ये क्या measure करता है? ये measure करता है opposition को. किसके opposition को measure करता है? To the flow of AC current. कहां पर measure करता है? In any series AC circuit which has a combination of resistance as well as reactance. यानी resistance और reactance का अगर combination किसी भी AC circuit में मौजूद है और उसमें आप AC current को भेजते हो, तो उसको क्या opposition, AC current के flow को क्या opposition मिल रहा है, उस बात को measure करने का नाम है, उस बात को जो measure करता है, उस physical quantity का नाम है impedance. ठीक है बच्चों, और इसको often Z symbol से denote किया जाता है. अब मैं इसके आगे इंपीडेंस के और आगे जाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक वर्ड और आप क्लियर कर लीजिए कि ये रिएक्टेंस क्या होता है. अब बच्चों रिएक्टेंस क्या करता है? रिएक्टेंस भी एक कंपोनेंट है, फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी नॉट कंपोनेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करती है ऑपोजिशन को. किसकी ऑपोजिशन को? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट. बच्चों बार बार मैं बात जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिए, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट. यानी हम यहां पर पूरी तरह से बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एसी करंट के बारे में, और इसका सिंबल हम लोग ज्यादातर एक्स से डिनोट करते हैं. बाय द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. कौन से कंपोनेंट्स हैं भाई? हमारे पास सर्किट कंपोनेंट्स तीन तरह के हैं. पहला है रेजिस्टर, दूसरा है कैपेसिटर, और बच्चों तीसरा है इंडक्टर. तो ये जो कंपोनेंट्स यानी रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर जो ऑपोजिशन ऑफर कर रहे हैं किसको? एसी करंट के फ्लो को. उस ऑपोजिशन को हम जिस क्वांटिटी से मेजर करते हैं उसका नाम है रिएक्टेंस. सिंबल क्या हो गया उसका? एक्स. और वो तीनों क्वांटिटी के लिए मैं डिफाइन करता हूं. अब देखो रेजिस्टर के लिए
एसी करंट को कोई भी अपोजिशन ऑफर नहीं करता और वो एक्स आर इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, जबकि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ये दोनों एसी करंट के फ्लो को अपोज करते हैं और उनके अपोजिशन को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से कॉल करते हैं। तो जो अपोजिशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर करता है या जो अपोजिशन एसी करंट को कैपेसिटर ऑफर करता है उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सिंबल हो जाता है उसका एक्ससी और एक्ससी की वैल्यू आ जाती है 1/ωc। इसी तरह से जो अपोजिशन इंडक्टर ऑफर करता टू द फ्लो ऑफ एसी करंट उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और उसका वैल्यू आ जाती है एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ये सब आपको मैंने थ्योरी के क्लास में बताया है, एक्सप्लेन किया हुआ है, ये उसके सिर्फ नट शेल को मैं इन नट शेल में उस बात को एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। और यहां पर इसको कह रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और यहां पे नाम दे रहे हो तुम इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये बात को ध्यान रखना, ये मेजर क्या कर रहा, रिएक्टेंस मेजर क्या कर रहा, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट। ओके, अब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का ही कॉम्बिनेशन आगे जाके इम्पीडेंस के नाम से कहलाता है, और इम्पीडेंस इनफैक्ट आप आगे जाके जब थ्योरी क्लास को अगर आप रिवाइज करोगे, रिव्यू करोगे, तो वहां पता चलेगा ये वेक्टर एडिशन से निकलता है, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस का ये वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, अब तुम्हें एक और चीज को ध्यान में रखना है कि डिफरेंस क्या है रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस में। रेजिस्टेंस भी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट को मेजर करता है, लेकिन ध्यान रखना रेजिस्टेंस डीसी करंट के अपोजिशन को मेजर करता था, और रिएक्टेंस किस के तरह के फ्लो को मेजर करता है, मैं उन दोनों का डिफरेंसेस यहां बता देता हूं। तो रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द डीसी करंट है, और रिएक्टेंस अपोजिशन टू एसी करंट है। बच्चों ये फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है, और ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। तुम एक्सप्रेशन को देख के भी समझ सकते हो। तो डीसी के लिए अपोजिशन क्या होगा, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको टर्म इंपीडेंस रिएक्टेंस का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा अब तक। इंपीडेंस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का वेक्टर कॉम्बिनेशन है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं वेक्टर कॉम्बिनेशन है। रेजिस्टेंस डीसी करंट के ऊपर जो अपोजिशन लग रहा है उसको मेजर करने का है, डीसी करंट को। ठीक है, अपोजिशन टुवर्ड्स द डीसी करंट उसे रेजिस्टेंस कह रहे हो, और अपोजिशन टुवर्ड्स द एसी करंट उसको आप रिएक्टेंस का नाम दे रहे हो। सो दिस वॉज अ क्विक समरी अबाउट इंपीडेंस एंड रिएक्टेंस, एंड नाउ कमिंग बैक टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट स्टूडेंट फॉर डायरेक्ट करेंट लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट वॉट विल बी द रेजिस्टेंस एंड वॉट विल बी रिएक्टेंस। सो फॉर डायरेक्ट करेंट रेजिस्टेंस is effective and its value is in this particular case of numerical it will be 20 ohm. Now for direct current what about impedance? Now bachcho impedance sorry before for direct current what will be about reactance? So I'm talking about now reactance. So for direct current what will be the reactance? Now there are two types of reactances. Okay, one is capacitive, another is inductive. Now see, for capacitive, Xc happens to be 1 upon omega c, and for direct current, frequency happens to be 0, isn't it? किसी भी डायरेक्ट करंट की कोई फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, वो तो चेंज होता नहीं, वो तो कांस्टेंट बना रहता है, फ्रीक्वेंसी जीरो है। तो कैपेसिटिव के लिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डायरेक्ट करंट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा को जब 1/ωc सी है तो जीरो, जब तुमने 1/0c विल बिकम इनफाइनाइट। और जब तुम इंडक्टिव की बात करोगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करोगे, तो एक्सएल विल बी इक्वल्स टू ओमेगा एल, और यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस में एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो जीरो निकल के आ जाएगी।
ओमेगा को मल्टीप्लाई करोगे, ओमेगा जीरो, जीरो इंटू एल जीरो। तो रिएक्टेंस पार्ट कैपेसिटेंस के लिए डीसी करंट के फ्लो पे इनफाइनाइट रिएक्टेंस वो ऑफर करेगा, और इंडक्टर के लिए वो कोई भी इंपेडेंस ऑफर नहीं करता है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना, ये डायरेक्ट करंट के बारे में मैंने आपसे रेफरेंस में बात किया। अब इंपेडेंस क्या था? इंपेडेंस था कॉम्बिनेशन ऑफ, कैसा कॉम्बिनेशन? वेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। भाई इस केस में डीसी करंट के लिए इंपेडेंस रेजिस्टेंस का तो आ गया, आर इफेक्टिव है, लेकिन ये इनफाइनाइट है। तो इन्फिनिटी जब किसी भी चीज से जुड़ेगी तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इंपेडेंस फॉर डीसी करंट विल बी इन्फिनिटी। ठीक है, तो डीसी करंट के लिए इंपेडेंस जो आएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा। अब आ जाओ एसी करंट के लिए। तो बच्चों एसी करंट के लिए जब मैं बात कर रहा हूं, तो जब हम लोग की बात अब एसी करंट के लिए होने जा रही है, तो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी तो दी गई है भाई। कितनी फ्रीक्वेंसी दी गई है यहाँ पर? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको 10/π kHz की। अब एसी करंट में रेजिस्टेंस भी इफेक्टिव होता है और रिएक्टेंस भी इफेक्टिव होता है। तो रेजिस्टेंस पार्ट कितना है सर्किट का? वो तो 20 ओम का दिया हुआ है। और इम्पीडेंस पार्ट, चलो आओ इम्पीडेंस, सॉरी रिएक्टेंस पार्ट पे आ जाओ। तो रिएक्टेंस पार्ट कितना हो जाएगा एसी सर्किट का? रिएक्टेंस पार्ट, अब दो तरह के रिएक्टेंस पार्ट आते हैं, एक कैपेसिटर का उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हो, और एक इंडक्टर का उसे आप इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हो। अब कैपेसिटर का रिएक्टेंस जितना होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता था XC इज इक्वल्स टू 1/ωC, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L। बच्चों यहाँ पे हमारे पास सर्किट में क्या दिया? यहाँ पे सर्किट में हमें कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस दे रखा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इफेक्टिव हो जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट XC। तो XC इज इक्वल्स टू 1/ωC, विच इन टर्न कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2π fc। अब बच्चों 1/2π है, f कितना दिया हुआ, क्या है एसी फ्रीक्वेंसी? एसी फ्रीक्वेंसी दे रखी 10/π kilo, किलो के वजह से आ गया 10^3। अब बच्चों यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है, ये जो 20 माइक्रोफेरेड है ये गलत छपा हुआ है। ठीक है, अगर 20 माइक्रोफेरेड लेंगे तो उसके हिसाब से ये आंसर नहीं आएगा जो 32 ओम का है। ठीक है, यहाँ पे होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए 2 माइक्रोफेरेड। ठीक बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक छोटी सी प्रिंटिंग एरर है। पुरानी किताब में 2.0 माइक्रोफेरेड था, जो नई बुक छप के आई है वो 20 माइक्रोफेरेड बन गया है। और नूतन फिजिक्स के पब्लिशर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस करेक्शन को जरा सा नोटिस कर लें और आने वाली प्रिंट में उसको सही कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ पर इसी हिसाब से करता हूँ, पुरानी किताब के हिसाब से। तो ये 20 माइक्रोफेरेड की जगह मैं इसको क्या लिख देता हूँ बच्चों? 2 माइक्रोफेरेड, ताकि आप उसको आंसर के साथ कोरिलेट कर सकें। तो 2 माइक्रो, माइक्रो हो गया 10^-6। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 और ये 2 हो जाएगा 1/4। ठीक है ना बच्चों, डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर 2 है और ये यहाँ पर 2 है, तो ये तो हो गया 4। और 10 और ये 10^-6 और 10^4, तो ये हो जाएगा बच्चों 10^-2, विच ऑन सॉल्विंग विल कम आउट टू बी 25 ओम। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हो गई। तो XC की वैल्यू कितनी आ गई? 25 ओम आ गई। R कितना दे रखा सर्किट में? 20 ओम दे रखा। तो अब मुझे यहाँ पर इम्पीडेंस फाइंड करना है, और इम्पीडेंस कितना होता है? Z इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। कहाँ से आया है फॉर्मूला? थ्योरी की क्लास, थ्योरी के वीडियोस देखो बच्चों, थ्योरी की क्लास को रेफर करो। जेड अंडर द रूट ऑफ आर कितना है? 20 का स्क्वायर। प्लस एक्सी कितना निकला है बच्चों? वो निकला है 25 का स्क्वायर। बच्चों ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन मैंने इंट्रोड्यूस किया है न्यूमेरिकल में। इंस्टेड ऑफ 20 माइक्रोफेरेड शुड बी 2 माइक्रोफेरेड, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32.0 ओम। ठीक है बच्चों, एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सल्यूशन आपको हेल्प करेगा।
ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को समझने के लिए, और मेरे ख्याल से ये वीडियो पब्लिशर्स को भी हेल्प करेगा इसमें जो एक करेक्शन है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने नए प्रिंटिंग में, नई प्रिंटिंग ऑफ द बुक में। थैंक यू सो मच बच्चों, अगर इस सोल्यूशन से आपको बेनिफिट हुआ हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।